नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा की तरफ से डीसी दफ्तर के बाहर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाया गया धरना। लुधियाना से हरवी तनी और विनोद कश्यप की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज 24। कमेटी के प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश के उत्ते पूरे देश के पेट्रोल डीजल कीमतों के खिलाफ धरने लगाए जा रहे हैं। असी उस कड़ी जा जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना शहरी इतने डीसी ऑफिस लुधियाना के बाहर धरना दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और इस करके साथियों कहा कि सिर्फ मेन मेन साढ़े लीडर जो ब्लाक प्रधान चेयरमैन साहबान और MLA साहबान उही साढ़े साथियों ने हिस्सा लेना। महिला कांग्रेस के जिदा अध्यक्ष या होर सेवा दल के साढ़े ग्रीवेंसी सैल के होर सारे साथियों ने। सो तुसी देखिया कि देश के अज एक पासे का करोना की महामारी फैली है, दूजे पासे मोदी सरकार ने ऐसा हाल किया कि पेट्रोल डीजल कीमत कोई 25-50 पैसे नहीं वधाइया, 25-25 रुपये वधाते देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। सरकार तो अज ये तेल दीमतों के नाल जिन्हें जरूरी वस्तु ट्रांसपोर्टेशन जिन्हें भी राशन करियाना सब्जियां सारी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो असी उस कांग्रेस उस गल का विरोध करती है। कांग्रेस हमेशा जनता के नाल रही है और जनता के नाल रहेगी। और असी अज एक मंग पत्र डीसी साहब के थ्रू राष्ट्रपति जी को भेजांगे ता कि यह जिहड़ियां तेल दीआं कीमतां दीआं वधाइयां वापस लित्तियां जाण और लोगों को जो त्राही त्राही हो रही उतों बचाया जा सके। जय